रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स में आज हम बात करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। तो एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम देखते हैं कि हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मेन मेमोरी यानी कि रैम का साइज हमेशा हमारे सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड ड्राइव से कम होता है, तो जो नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे पास होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ पेजेस से कम होते हैं। अब हम सारे पेजेस को इन कम फ्रेम्स में तो पुल ऑफ करके रख नहीं सकते, तो वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट के अंदर हम एक इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं पेज रिप्लेसमेंट से। तो पेज रिप्लेसमेंट में होता क्या है कि हम पेजेस को फ्रेम्स में पुल ऑफ करके रखना स्टार्ट करते हैं और हम फ्रेम्स को फुल फिल कर देते हैं। उसके बाद जब कोई ऐसे फ्रेम की रिक्वायरमेंट आती है जो कि हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हमें किसी पेज को पुल ऑफ करके यहाँ रखना है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक फ्रेम जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर देते हैं उस पेज के साथ जो रिक्वायर्ड है। डिसाइड करने के लिए कि हमें कौन से फ्रेम को रिप्लेस करना है, हम यूज़ करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। और अभी हम बात करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। ओके, तो हम यहाँ पर लेते हैं एक एग्जांपल। तो ये है पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, यानी कि इस ऑर्डर में सीपीयू ने इन पेजेस को रिक्वेस्ट किया था, और यह है ऊपर टाइम फ्रेम यानी कि किस टाइम पर सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया था। ये हमारे पास चार फ्रेम्स जो कि अवेलेबल हैं। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जस्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जिस ऑर्डर में कोई पेज फ्रेम में आया है उसी ऑर्डर में वो बाहर निकलेगा। तो सपोज हमने फ्रेम नंबर 1 से फिल आउट करना स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में हमने 7 को फिल किया फ्रेम 1 में, और यहाँ पर हम लिखेंगे पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट तब होता है जब हमें किसी पेज को पुल ऑफ करके फ्रेम में लाना पड़ता है। अब हम इसे फॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें स्लो मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है एक पेज को सर्च करके पुल ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होता है और इसलिए हम इसे फॉल्ट बोलते हैं। पे आते हैं तो 0 के टाइम पर हमारे पास फ्रेम 2 खाली था, तो हम 0 को F2 में फिल आउट कर देंगे, और क्योंकि हमें फिर से किसी पेज को एक्सेस करना पड़ा तो हम यहाँ पे फिर फॉल्ट लिख देते हैं। अब ऐसे ही जाते हैं 2 की तरफ, तो 2 की बारी जब आई तो यहाँ पर आया 7 0, हमारे पास फिर से एक फ्रेम खाली था और हम 1 को यहाँ रख देंगे। अब हम जाते हैं टाइम 3 पर, तो यहाँ पर हमें 2 को अंदर लाना है, तो यहाँ पर हम 7 0 1 2 रख देंगे क्योंकि हमारे पास एक फ्रेम खाली था। अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो यहाँ पे 0, अब हमारा सीपीयू रिक्वेस्ट कर रहा है 0, पर 0 हमारे पास ऑलरेडी मेन मेमोरी में है, तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि हमें अलग से स्लो मेमोरी की तरफ नहीं जाना पड़ा, हमें अपने पुराने फ्रेम्स में ही वो मिल गया जो हमें चाहिए था, तो इसे हम बोलेंगे हिट क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम बचा है। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट की साइड, तो 3, अब 3 हमारे फ्रेम्स में अवेलेबल है नहीं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये होता है कि हमने फिल आउट करना स्टार्ट किया था F1 से, तो जब निकालने का टाइम आएगा तो हम सबसे पहले उसको निकालेंगे जो सबसे पहले आया था। तो अब हम रिप्लेस करेंगे 7 को 3 से, सो 3 0 1 2, और ये भी एक पेज फॉल्ट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, 0 0, वंस अगेन हमारे पास है, सो 3 0 1 2, और ये फिर से हिट। ओके, तो अब हम आएंगे 4 की तरफ, 4 हमारे पास अपने फ्रेम्स में नहीं है, तो हमें जब 4 को ऐड करना है तो हम 4 को वहाँ ऐड करेंगे जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। अब फर्स्ट पोजीशन F1 हमने अभी चेंज किया है, तो इसके बाद सबसे पहली पोजीशन कौन सी थी, F2, तो अब हम F2 को रिप्लेस करेंगे, तो 3 4 1 2। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि जिस ऑर्डर में हमने फिल करना स्टार्ट किया था उसी ऑर्डर में हम उन्हें निकालना स्टार्ट करें, यानी कि फर्स्ट इन हमारे यहाँ पे हुआ था तो फर्स्ट आउट भी यहाँ से होगा, उसके बाद सेकंड थर्ड इसी ऑर्डर में चलता रहेगा। तो यहाँ पर 2 अगेन हमारे पास है, सो 3 4 1 2 एंड हिट, और यहाँ पर फॉल्ट, एंड फिर से 3 हमारे पास है, 3 4 1 2। लास्ट चीज़ जो हम यहाँ फाइंड करते हैं वो होती है हिट और मिस रेशियो। तो हिट रेशियो क्या होता है कि हमने कितनी बार हिट किया था टोटल रेफरेंस स्ट्रिंग में, तो रेफरेंस स्ट्रिंग का साइज़ यहाँ पे है 10,
10, और हमने हिट किया था 4 बार, सो 4 upon 10 इक्वल्स 0.4। और सेम यहाँ पे मेस या फिर फॉल्ट रेशियो होता है कि हमने कितने फॉल्ट लिए थे। तो यहाँ पर फॉल्ट आए थे 10 में से 6 बार, सो 6 upon 10 इक्वल्स 0.6। तो इस वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसमेंट एल्गोरिथम्स में। पिछली बार हमने बात की थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, और इस बार हम बात करेंगे LRU, जिसे कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। वीडियो में हमने देखा था कि हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को क्यों यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो में हम सीधा LRU पर आते हैं। LRU को इम्प्लीमेंट करने का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जब हमें किसी पेज को रिप्लेस करना है तो हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जिसे हमने लीस्ट रिसेंटली यूज़ किया था, मतलब जिसे यूज़ किए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है। तो इस पर आते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले 7 को पेज से फ्रेम में लेकर आएंगे। तो क्योंकि हमारे पास फ्रेम खाली है, हम सीधा 7 को लेकर आएंगे, और यहाँ पर हुआ एक पेज फॉल्ट। उसके बाद 0 के टाइम पर भी हमारे पास एक पेज खाली है, तो हम 0 को लेकर आएंगे। फिर वंस अगेन पेज फॉल्ट 7 0 1, क्योंकि यहाँ भी एक फ्रेम खाली था। नेक्स्ट 7 0 1 2, क्योंकि यहाँ भी एक पेज खाली था। और इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह ये मैटर नहीं करता कि हम किस से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन लीस्ट रिसेंटली यूज है। तो यहाँ पर हमें 0 इंसर्ट करना है, बट 0 हमारे पास पहले से है, दैट्स हेड। अब हमें 3 को इंसर्ट करना है, बट 3 हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि हमने जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें से कौन सा सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। तो हमने 0 को अभी अभी यूज़ किया है, इसका मतलब अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट इससे पहले कौन यूज़ था, 2 फिर 1, तो 7 सबसे दूर है, तो हम 7 को रिप्लेस करेंगे, 3 0 1 2। तो अगर आप ऐसे लिख के कर रहे हो तो बेसिकली आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका सबसे दूर कौन है। तो अब जैसे 0 को इंसर्ट करना है फ्रेम्स में, तो 0 हमारे पास ऑलरेडी है, सो 3 0 1 2 एंड हिट। बट जब 4 पर हम आते हैं तो हमें 4 को इंसर्ट करना है, और 4 हमारे पास ऑलरेडी नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा रिसेंटली यूज्ड कौन सा है, 0। उसके बाद 3 इज़ द सेकेंड मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, उसके बाद 2 जो इनके अकॉर्डिंग पहले यूज़ हुआ था बट 1 से पहले है, तो 1 इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, 1 सबसे दूर है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे 3 0 4 2, और पेज फॉल्ट, और 2 के टाइम पर हमारे पास 2 ऑलरेडी था, ओ 2 ऑलरेडी है, तो हम करेंगे 3 0 4 2 एंड हिट। कॉन्सेप्ट सिंपल है, चीज़ों हम कैलकुलेट करते हैं होते हैं हिट और मिस रेशियो। तो हिट रेशियो हमारा होता है कि हमारे कितने हिट थे आउट ऑफ टोटल स्ट्रिंग। तो हमारे पास थे 3 हिट्स, 3 upon 9 इक्वल्स 1 upon 3, और अगर ये हमारा हिट रेशियो है तो मिस रेशियो हमारा होगा 6 upon 9 इक्वल्स 2 upon 3। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से आज हम बात करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की। तो ये सबसे बेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है थ्योरी में, पर ये अनइम्प्लीमेंटेबल है। टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि होता क्या है। तो ऑप्टिमल एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, जब हमें किसी पेज को रिप्लेस करना होता है ना, तो हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो फ्यूचर में सबसे बाद में यूज़ हुआ हुआ है। मीन्स हम देखेंगे कि अगर हमें किसी पेज को रिप्लेस करना है और जो हमारे पास फ्रेम्स में और पेजेस ऑलरेडी हैं, उनमें से हम देखते हैं कि कौन से वाला पेज है जो आगे फ्यूचर में काफ़ी दूर यूज़ हो रहा है, उसको रिप्लेस कर देते हैं। अभी के लिए एग्जाम्पल पे आते हैं, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कैसे काम होगा। तो सबसे पहले हमें 7 को फ्रेम 1 में लाना है, तो फ्रेम 1 खाली है, 7 पेज फॉल्ट। फिर हमें 0 को फ्रेम 2 में लाना है, फ्रेम 2 खाली है, पेज फॉल्ट। फिर 1 को लाना है, सो 7 0 1, और यहाँ भी एक पेज फॉल्ट है। अब हमें 2 के टाइम पर
किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सारे फ्रेम्स फिल्ड आउट है। पर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रेम जो पेजेस फ्रेम्स में ऑलरेडी हैं हम उनको देखते हैं कि फ्यूचर में उनमें से कौन सा सबसे दूर यूज़ हुआ है और हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ज़ीरो ज़ीरो काफ़ी जो नेक्स्ट ही है तो मीन ज़ीरो को रिप्लेस नहीं करना। अब हम देखेंगे कि सेवन और वन में से कौन सबसे लास्ट में यूज़ हुआ है और उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम रेफरेंस स्ट्रिंग देखें सेवन को कहीं भी यूज़ किया ही नहीं हुआ हमने तो सेवन रिप्लेस होगा और वन एज इट इज़ बच जाएगा। और ये भी पेज फॉल्ट। अब नेक्स्ट तो हमारा यहाँ पर पेज हिट है, यहाँ पर तो कुछ होना ही नहीं है। और यही एडवांटेज है पेज ऑप्टिमल एल्गोरिदम का। हमने ज़ीरो को रख लिया क्योंकि वो फ्यूचर में अभी अभी यूज़ होने वाला है। इससे क्या हुआ, हमारे एक हिट बढ़ गया और एक पेज फॉल्ट बच गया। सो अब थ्री को हमें इनपुट कराना है। अब हम देखेंगे कि ज़ीरो वन और टू में से कौन सबसे लेट यूज़ हुआ है और उसे हटा देंगे। सो देखते हैं ज़ीरो ज़ीरो नेक्स्ट यूज़ हो रहा है तो ज़ीरो को तो हटाना है ही नहीं, और ज़ीरो के बाद टू तो टू को भी नहीं हटाना, तो बचा क्या वन। वन सबसे लेट यूज़ हो रहा है तो हम वन को रिप्लेस करेंगे। सो टू ज़ीरो और थ्री पेज फॉल्ट। अब देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा। तो यहाँ पर टू ज़ीरो थ्री और पेज हिट। तो पेज वंस अगेन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की वजह से हमारा ज़ीरो बच गया, और ज़ीरो बच गया था तो यहाँ पर हिट हुआ और हमारा एक पेज फॉल्ट कम हुआ। और इसीलिए पेज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बेस्ट रहता है इन टर्म्स ऑफ हिट रेशियो। अभी मैं बताऊँगा कि ये अनइम्प्लीमेंटेबल क्यों है। तो पहले अब फोर को हमें इनपुट कराना है और हमें किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। चेक करते हैं टू नेक्स्ट यूज़ हो रहा है, थ्री उसके बाद यूज़ हो रहा है, ज़ीरो सबसे दूर है तो इस बार हमें ज़ीरो को निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे टू फोर एंड थ्री पेज फॉल्ट, पर इसके बाद टू फोर थ्री हिट क्योंकि टू ऑलरेडी हमारे पास था, और थ्री के टाइम पर फिर से टू फोर थ्री और एक हिट। तो ऑप्टिमल एल्गोरिदम की वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे हैं किसी भी और एल्गोरिदम के कंपैरिजन में। और अब ज़ीरो के टाइम पे रिप्लेस करना है थ्री टू वन, सो थ्री सबसे पहले है, टू उसके बाद है, और फोर है ही नहीं तो फोर को रिप्लेस कर देंगे। टू ज़ीरो थ्री पेज फॉल्ट, टू ज़ीरो थ्री हिट, टू ज़ीरो थ्री हिट। तो अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ कि अब हमें वन को इनपुट कराना है तो, और इनमें से कोई भी फ्यूचर में यूज़ ही नहीं हो रहा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि हमारे जो अवेलेबल पेजेस हैं इन फ्रेम्स के अंदर उनमें से कोई भी अगर फ्यूचर में यूज़ नहीं हो रहा तो ये मैटर नहीं करता कि हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, हम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और हमारे हिट रेशियो ख़राब नहीं होगा। तो मैं टू से भी वन टू से ज़ीरो से या थ्री किसी से भी वन को रिप्लेस करा सकता था। तो वन ज़ीरो थ्री और पेज फॉल्ट। ये अनइम्प्लीमेंटेबल क्यों है, तो देखो थियोरी में तो हम क्या कर रहे थे कि जब हमें किसी पेज को रिप्लेस करना था हम क्या करते थे कि फ्यूचर रेफरेंस स्ट्रिंग देखी और उसके अकॉर्डिंग हमने जो अभी सबसे देर में यूज़ होने वाला है उसे रिप्लेस कर दिया। पर असली में क्या हो रहा होगा, CPU इस पेज को रिक्वेस्ट किया और फ्रेम में डलवा दिया, इसको रिक्वेस्ट किया और इसे फ्रेम में डलवा दिया। तो क्या होता है कि कंप्यूटर को CPU को इस टाइम नहीं पता कि दो सेकंड बाद तुम कहाँ पे क्लिक कर दोगे और कौन सी फाइल को उसको मेमोरी में उठा के डालना पड़ जाएगा। तो और जो ऑप्टिमल एल्गोरिदम है वो टोटली बेस्ड है इस चीज़ पे कि वो फ्यूचर को देखता है कि कहाँ पे आगे जाके वो कौन सबसे दूर यूज़ हो रहा है और उसे डाल दे। पर असली में तुम कभी बता ही नहीं सकते कि फ्यूचर में कौन सी फाइल की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो फ्यूचर के बेस पर किसी पेज को रिप्लेस करने का तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। तो इसलिए ये अनइम्प्लीमेंटेबल है, ये सिर्फ थियोरी
है। और इसकी एडवांटेज क्या होती है कि जब भी हम कोई इम्प्लीमेंटेबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बनाते हैं ना, तो उसकी एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि इसको हम बेस रखते हैं कि ये बेस्ट चीज़ है। तो इसके कंपैरिजन में हमने जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बनाया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वो कितना अच्छा है।